अध्याय 8 देख रहे हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। बात शुरू होती है प्रभाकर से। प्रभाकर लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, उनको काम करते हुए देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि कहीं कुल्हाड़ी पड़ी है, कहीं हंसिया पड़ा है, और कई ऐसे औजार भी रखे हुए हैं जो ये बेचना चाहते हैं या बेचने के लिए रखे हैं। एक जगह यहां पर भट्टी जल रही है, लोहे की ये जो छड़ी है उसको गर्म किया जा रहा है और उसको यहां पर पीटा जा रहा है, यानी कि उसको शेप देने के लिए। प्रभाकर ये सब चीजें देख रहा है। तो लोहे के औजार और खेती की जहां तक हम बात करते हैं, तो लोहे की चीजें, एल्यूमिनियम की चीजें, ये सब हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। तो इस लोहे का प्रयोग हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है, हमारा जो उपमहाद्वीप है, वहां कब शुरू हुआ? ये हुआ 3000 साल पहले। हमारे सबकॉन्टिनेंट में या उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। कैसे पता चला? कि जो महापाषाण कब्रें हैं, जो हमें ग्रेव्स मिली, जहां लोगों को दफनाया गया था, महापाषाण का मतलब होता है मेगालिथिक एज। मेगालिथिक जो कब्रें हैं, उसमें हमको बहुत सारे लोहे के औजार मिले और बहुत सारे हथियार मिले। हमें एक और चीज पता चलती है कि 2500 साल पहले जो लोहे के औजार हैं, उनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका काम क्या लेके आते थे ये? जैसे जंगल हो गए, अब ये जंगल है, इनको साफ करने के लिए, इनको हटाने के लिए, इसके लिए वो कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे, उसके लिए और लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। इसी तरीके से जुताई के लिए, जैसे जुताई हो रही है, तो इसमें जो हल लगता था, इस तरीके से जो हल लगता था, इसके सामने फॉल लगती थी। पहले लकड़ी की लगा करती थी, लेकिन अब ये लोहे की लगने लग गई, ताकि इसका जो मिट्टी है, इसका इस्तेमाल मिट्टी, जो हार्ड मिट्टी है, उसको तैयार करने के लिए, ताकि उसमें खेती बाड़ी की जा सके। तो इसके कारण से कृषि का उत्पादन भी बहुत बढ़ गया। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक और चीज यहां पर हुई। पहले मैं आपको थोड़ा चित्र दिखा दूं। आप ये देखें, ये लोहे के औजार दिख रहे हैं, ये है हंसिया, कुल्हाड़ी, संडसी। तो यहां आप देखेंगे कि इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टोंग्स, एक्स, सिकल। तो अलग अलग काम में ये आते थे, आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे गांव उस जमाने के, अगर वो समृद्ध नहीं होते, समृद्ध का मतलब होता है कि भरे पूरे, वैभवशाली, अगर ये गांव ठीक नहीं है, गांव गरीब हैं, तो वहां के जो राजा थे या जो राज कर रहे थे, शासक थे, उनके लिए बना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता, राजा भी और राज्य भी। इस कारण से ये जो नए औजार, जैसे कहें आप रोपाई के लिए या सिंचाई के लिए, ये बहुत ज्यादा कृषि के विकास के लिए ये सब औजार बड़े उपयोगी साबित हुए। इसके अलावा सिंचाई के लिए क्या किया गया? सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, सिंचाई के लिए तालाब बनाए गए या तालाब से पानी लिया गया, और इसके अलावा कृत्रिम जलाशय, यानी ऐसा इलाका बना दिया गया जहां पर पानी आके जमा हो सके, जैसे तालाब ही होता है, लेकिन कृत्रिम जलाशय बना दिया। तालाब में तो ऐसा होता है कि कोई ईंट पत्थर तो नहीं होता है, वो तो अपने आप पानी जमा होता है, जहां भी ऐसा एरिया होगा पानी आके जमा हो जाएगा, लेकिन कृत्रिम जलाशय ऐसा जगह होता है जहां पर बकायदा ईंट गारे पत्थर लगा के इसको बनाया जाता है कि जब भी पानी आए इसमें जमा हो जाए। यहां पर एक सवाल की तरह एक एक्सरसाइज दी हुई है, जरा इसको करने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने समझा, फिर मैं यहां पर लेके आता हूं आपको। इसको देखिएगा जरा, यहां कहा गया है, चार चीजें दी हैं, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये चारों को हमें यहां फिट करना है। तो कैसे करेंगे? राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, वे किसानों से कर लेते हैं, ठीक। अब यहां पर हम क्या डालें? लोगों द्वारा परिश्रम किया गया या सिंचाई से ही संभव था, यहां नहीं बन रहा है, किसानों को लाभ मिला, यह भी नहीं बन रहा है, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, तो ये यहां पर आएगा, ये तीन नंबर पे आएगा, ये ठीक है, ध्यान रहेगा, ये तीन नंबर पे आएगा।
कि वे किसानों से कर लेते थे। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, यह सिंचाई से ही संभव था। इसके बाद क्या हुआ कि पांचवे में आएगा, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि ये भी लिख सकते हैं कि हम यहां पर लोगों ने परिश्रम किया, कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा और उसके बाद किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब अनिश्चितता की जो उत्पादन की अनिश्चितता थी वो घट गई। आपको समझ में आ गया क्या क्या भरा हमने? सबसे पहले हमने भरा वे किसानों से कर लेते थे और कर अदा करने के लिए, ये आपका तीसरा हो गया, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, यह सिंचाई से ही संभव था। और फिर उसके बाद राजाओं ने, इसको आप कर दीजिए पांच, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। फिर उसके बाद आएगा कि लोगों ने परिश्रम किया, यानी कि 6 नंबर पे इसको डाल दीजिए और 9 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे इस एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि गांव में रहते कौन लोग थे? अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मैं आपको मैप भी अगर होगा तो दिखाऊंगा। यहां पर जो दक्षिणी, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे आप ध्यान रखिएगा इसमें। तो जो दक्षिण, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में जो गांव थे वो तीन तरह के, एक तरीके से ले समझ लीजिए, तीन तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से तीन तरीके के लोग रहते थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, इनको वेलल्ला कहते थे। यानी अगर बड़े बड़े भूस्वामी हैं तो इनके कहा जाता था वेलल्ला, वेलल्ला। जो दूसरे तरीके के लोग थे, जो साधारण हलवाहे थे, उनको कहा जाता था उड़वार, उड़वार। उनको भी पूरा ही लिख लेते, वेलल्ला, वेलल्ला उड़वार, राइट। अब जो बड़े लोग थे और जो सबसे छोटे लोग थे, मतलब जो बेचारे भूमि मजदूर थे, दास, इनको कहा जाता था कडैसियार या फिर अधिमई। तो जो सबसे प्रभावशाली, या कहेंगे जिनके पास पैसा था, बड़े बड़े जमींदार थे, वो वेलल्ला। जो सबसे कम, जिनके पास जमीन तक नहीं थी, केवल मजदूरी करते थे, वो लोग कहलाए कडैसियार और अधिमई। और बीच के, यानी जो साधारण हलवा वाहे थे, यानी हल वल चलाते थे लेकिन वो इतने गरीब भी नहीं थे, इतने अमीर भी नहीं थे, उनको उड़वार कहा जाता था। ये हम साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ की बात। अब हम अगर यहां पर उत्तरी हिस्सों की बात करें तो गांव का प्रधान जो व्यक्ति था उसको कहा जाता था, नॉर्थ की बात कर रहा हूं, जैसे आप कश्मीर की तरफ पहुंच गए, यहां साउथ की तरफ, तमिलनाडु की तरफ आ गए, तो तमिलनाडु के आसपास का एरिया कह रहा हूं मैं, तमिलनाडु नहीं कह रहा हूं, साउथ का पूरा एरिया कह रहा हूं। नॉर्थ में मैं कश्मीर नहीं कह रहा हूं, मैं उसके सारे जो नीचे के इलाके हैं, नॉर्थ की बात कर रहा हूं। यहां पर जो गांव का जो प्रधान होता था उसको कहते थे ग्राम भोजक। क्या कहते थे? ग्राम, पहले पहले अक्षर लिख रहा हूं, ग्राम भोजक कहते थे। अब एक ही परिवार के कई लोग इस ग्राम भोजक के पद पर रहते थे, पदासीन रहते थे या इस पे बने रहते थे। यानी कि ये डायनेस्टिक था, वंशवाद था इसमें, यह पद अनुवांशिक था। और सबसे बड़ा आदमी, जैसे जो ग्राम भोजक मैंने कहा, इसमें रहता कौन था? इसमें सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, वो रहता था। और इस पे काम कौन करते थे? इस पे कौन लोग काम करते थे? दास लोग काम करते थे या मजदूर लोग काम करते थे। और एक और चीज ये है कि क्योंकि ये भूस्वामी स्ट्रांग थे, जमीन ज्यादा थी, ज्यादा थी, जमींदार कह सकते हैं, तो जो राजा थे वो राजा इन्हीं को काम देते थे। राजा इनको ही कहते थे कि ऐसा करो, आप कर वसूल करो। तो कर वसूल का काम भी भूस्वामी ही किया करते थे, जो बड़े बड़े ग्राम भोजक थे, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, क्योंकि इतने पावरफुल लोग थे, जमींदार थे, कभी कभी ये पुलिस का भी काम कर लिया करते थे, कभी कभी ये कोर्ट जस्टिस या कहें न्यायाधीश का भी काम कर लेते थे, पुलिस और न्यायाधीश का भी काम ये करते थे। अब इन ग्राम भोजकों के अलावा, ये भूस्वामी जो बड़े बड़े थे, उनके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट किसान होते थे, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र कृषक, ये लोग होते थे। और जिनको उस जमाने कहा जाता था गृहपति। क्या कहते थे? गृहपति। और इनमें ज्यादातर जो होते थे बेचारे छोटे किसान होते थे, तो हम लिख देते हैं छोटे किसान होते थे, छोटे किसान होते थे। अब ऐसे आदमी औरत भी होते थे जिनके पास जमीनी नहीं होती थी, उनको हम कहते थे कर्मकार। लेकिन कौन से कर्मकार? दास कर्मकार, दास और कर्मकार। जिनके पास जमीन नहीं है वो दास या कर्मकार। जो करते क्या थे, जो या तो इनकी जमीन में या फिर भूस्वामी की जमीन में जाके, मतलब इनकी जमीन में ये लोग जाते थे, यहां पर ये काम करते थे और अपने आजीविका चलाते थे। और यहां पर इन गांवों में, क्योंकि लोहे की बात मैंने करी थी, कुम्हार भी होते होंगे, तो लोहार हो गए,
कुम्हार हो गए, बढ़ाई हो गए, बुनकर हो गए, तो लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर, ये सारे लोग साथ में शिल्पकार, ये सब होते थे यहाँ पर। अच्छा, ये हमको जो जानकारी मिलती है ना, बहुत सारी जानकारी जो चीज लिखित है, अब देखिए तमिल भाषा और संगम साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो तमिल में जो पहले की रचनाएं लिखी गई उन सबको कंबाइन किया गया और इसी को कहा गया संगम साहित्य। क्या कहा गया? संगम साहित्य, जो पुरानी रचनाएं थी। अच्छा, इसकी रचना तकरीबन 2300 साल पहले की गई थी। अच्छा, संगम इसलिए कहा जाता है, संगम क्यों है कि मतलब संगम का होता है मिलाप, मिलना। हुआ ये क्योंकि जो मदुरई है, मैं आपको दिखाऊंगा इलाका, वो मदुरई का जो इलाका है, इसमें जो कवि सम्मेलन होता था, यहाँ पर कवि लोग आते थे, बैठते थे, बात करते थे, अपने रचनाएं सुनाते थे, तो यहाँ पर जो मदुरई है इसमें सब लोग आते थे, संकलन किया जाता था इनका, और गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो हम, ये जो मैंने अभी अभी आपको नाम बताए, ये जो वेलल्ला हो गए, उड़वार हो गए, कड़ेसियार हो गए, आदिमई हो गए, वो सब ये संगम साहित्य से ही मिलते हैं। तो ये संगम यहाँ सब आके मिलते थे, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। और यहाँ पर साहित्य का संकलन किया गया था, जोड़ा गया था या कलेक्शन किया गया था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहते हैं। अब हमने गांव की बात तो कर ली, अब आते हैं नगर पे। तो हमको कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं, पुरातत्व, ये क्या क्या बताता है? कहानियां मतलब जो भी वहां उस समय स्टोरी लिखी गई होगी, और जो स्टोरी लिखी जाती है वो उस परिवेश में लिखी जाती है, उस जमाने के हिसाब से लिखी जाती है। यात्रा विवरण यानी कि अगर मान लीजिए मैं घूमने चला गया मदुरई और मैंने वहां के बारे में लिख दिया, तो मैंने अपना यात्रा विवरण लिखा है, मैं यहां गया, इधर आया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैंने ये देखा। मूर्तिकलाएं, जो भी मूर्तियां बनती थी उसको किस तरीके से उसमें कशीदाकारी की गई है, किस तरीके से उसकी कलाएं या कहें कि नक्काशी की गई है उस पर, और जो पुरातत्व है, जो भी सामान हमें मिल रहे हैं आर्कियोलॉजी की तरफ से, वो हमें क्या बताते हैं? तो एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, आपने जरूर सुना होगा, जातक, जातक या जातकों, जातक ज्यादा बेहतर है, जातक। ये वो कहानियां थी या स्टोरीज थी, कहानियां थी जो आम लोगों में आपस में बहुत प्रचलित थी। इसको, इसका एक स्टोरी संकलन किसने किया, क्योंकि स्टोरी सुनाई जाती थी लेकिन कोई लिखने वाला भी तो होना चाहिए जिसने इसको संकलन किया। तो जो बौद्ध भिक्खु थे, जो भिखारी थे या जो भिक्षा मांगते थे बौद्ध भिक्षु, उन्होंने इसका संकलन किया। तो एक आपको मैं ये बताता हूँ कि एक निर्धन व्यक्ति किस तरीके से बड़ा बन जाता है, एक इसकी कहानी बताता हूँ। तो एक गरीब युवक था, एक शहर में रहता था, तो उसके पास चूहे जो मर गए थे उसके अलावा बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। तो अब हुआ यह कि उसने क्या किया, जो मरे चूहे हैं उसको एक सिक्के में, मतलब एक सिक्के में एक भोजनालय था, मतलब जैसे कहेंगे रेस्टोरेंट आजकल होते, होटल, उस वाले, उसके आदमी को बेच दिया कि भाई उसकी बिल्ली थी, तो उसके लिए इसने अपने चूहे को बेच दिया। अब बड़ी जोर की आंधी आ गई एक बार, तो राजा की जो बगीचा था उसमें टहनियां टूट गई, पत्तों से भर गया। अब माली आया वहां पर साफ करने, अब वो बड़ा परेशान हो उठा कि इतनी सारी टहनियां गिरी हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो ये जो युवक है इस माली के पास गया, इसने कहा ऐसा है कि अगर लकड़ी और पत्ते अगर मुझे आप दे दो तो मैं बगीचे की सफाई फ्री में कर दूंगा। माली तुरंत मान गया, खुश हो गया ये तो। अब युवक के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो ये क्या किया इसने, ये जो युवक है इसने बच्चों को जमा कर लिया और सबको कहा कि भाई अगर तुम एक टहनी या पत्ता उठाओगे तो मैं तुम्हें एक एक मिठाई दूंगा। मतलब एक तरीके से उनको मेहनताना देने की कोशिश की, जो बच्चे आसपास खेल रहे थे। बच्चों ने फटाफट, बहुत सारे बच्चे थे, फटाफट उन्होंने साफ कर दिया। अब वहां पर क्या हुआ कि राजा का जो कुम्हार है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको पकाने के लिए वो ईंधन की तलाश में इधर उधर गुजर रहा था। कौन? राजा का कुम्हार, ये ईंधन के लिए यहां वहां घूम रहा था, यानी कि फ्यूल के लिए वहां घूम रहा था। तो जैसे ही उसने देखा तो उसने क्या किया कि ये सब जो लकड़ी और जो टहनियां थी, पत्ते थे, वो सब खरीद लिया। तो युवक के पास और पैसे आ गए। अब युवक ने एक और योजना बना ली, उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ा बर्तन, उसमें पानी भरकर वो एकदम नगर का जो द्वार है, गेट है, वहां पर पहुंच गया। और उसने क्या किया कि जो घास बेचारे काट रहे थे, जो आदमी लोग घास काट रहे थे उनको, मतलब काटने वाले कम से कम 500 लोग थे, इनको पानी पिला दिया सबको। सब लोग खुश हो गए, उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, हम क्या करें आपके लिए। उसने कहा कि अभी रहने दीजिए, जब मैं आपको कहूंगा तब आप एक मेरी सहायता कीजिएगा। तब उसने क्या किया, इस बंदे ने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली,
व्यापारी एक बार आया, उसने कहा देखो कल जो घोड़े हैं, एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। अब ये सुनते ही इनके कान खड़े हो गए। किनके? ये जिसकी बारे में बात कर रहा हूँ, हीरो इस पिक्चर के। उन्होंने ये कहा कि भाई, वो गए सीधा घास काटने वालों के पास, इनके पास, जो उनकी मदद करना चाहते हैं, जिनको उन्होंने 500 लोगों को पानी पिलाया था। उन्होंने कहा ऐसा करो कि जो भी घास के गट्टर एक एक करके मुझे दे दो, ठीक, और जो अपनी घास का गट्टर तब तक नहीं बेचना, तब तक नहीं बेचना जब तक मेरे पास जो घास के गट्टर तुमने दिए हैं वो बिक ना जाए, ठीक है जी। अब हुआ यह क्या, जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास मिली नहीं, क्योंकि ये लोग तो नहीं बेच रहे थे, इनको मना कर किया गया था इसके द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि जो युवक के पास एक एक गट्ठर इन सबके 500 लोगों के थे, वो उनको खरीदने पड़े, और इससे उसको बहुत सारे सिक्के मिल गए, करीबन 1000 सिक्के मिल गए। तो ये जो है इसको हम कहेंगे जातक। बौद्ध भिक्षु ने इनका संकलन किया था, ये वहां पर बड़ा प्रचलित था, इस तरीके की स्टोरी बड़ी प्रचलित थी। अब कई चीजें जो शहर में गांव में हो रही थी, वहां मूर्तिकार क्या करते थे, उसी हिसाब से उस मूर्तियां बनाते थे, और जैसे इमारतों की रेलिंग हो गई, खंबे हो गए, प्रवेश द्वार, उस तरीके से इसको इन मूर्तियों को बकायदा सजाया भी जाता था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये दिल्ली में एक हमें वलयकूप मिला है। हड़प्पा की जो जल निकासी व्यवस्था है वो इससे थोड़ी अलग थी। पहले आपको बताऊँ, यहाँ पर ये सांची की मूर्तिकला है। ये मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है ना, मैंने आपको पहले चित्र में दिखाया था जब हमने बौद्ध धर्म की बारे में बात की थी। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ईंट से या लकड़ी से या पत्थर से किससे बनी है, इसमें बकायदा रेलिंग बनाई गई है, इसमें बकायदा इस तरीके से बनाया गया है कि भाई एक फ्रेम हो गया, और कितनी अच्छा काम किया गया है, इस आप खुद ही सोचिए कि बेहतरीन काम किया गया है। अब कई शहर जो ऐसे थे वो परकोटों से गिरे थे। परकोट मतलब आप समझ लीजिए कि बाउंड्री हो गई। अब अगर आप, मैं यहां पर एक चित्रण देखे, इसको मैं कह रहा हूं वलयकूप। अब वलयकूप क्या हुआ, ये शब्द हमने पहले तो नहीं सुना। तो ये जो वलयकूप है, जो बाथरूम है, बाथरूम या नाली है या कूड़ेदान, वहां पर ये वलयकूप इस्तेमाल होते थे, राइट। और ये वलयकूप होते थे घरों में होते थे, और यहां से एक तरीके से समझ लीजिए कि पानी की व्यवस्था होती थी आने और जाने की। इसके अलावा हमें महल, बाजार, जो आम घर है, आम घर लिख देते हैं इसको, इसके हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं, और ये लकड़ी से, मिट्टी के, कच्ची ईंटों के और छप्पर से बने होते थे, इसीलिए ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, राइट। हो सकता है आगे इसकी खोज हो जाए। अब यहां पर मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, पहले मैं यहां डिस्कस कर लूं आपसे, फिर मैं आपको यहां बताता हूं कि बेरीगाजा की हम बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिक्के की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कहानी अलग है, दूसरी है। जो पुरातत्वविद है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको बहुत सारे सिक्के मिले हैं, बहुत हजारों के सिक्के मिले हैं। ये सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्के, आहत बताता हूं अभी क्या होता है, यानी एक आप एक लोहा या फिर इस तरीके से एक मेटल लीजिए, उसके बाद आप उसको प्रिंट करिए या फिर मतलब चोट करिए इसके ऊपर, तो ये जो एक कहें कि सिक्का है, उस पर चोट करके ये आकार बनाया गया है, यहां देख रहे हैं, इसी को हम आहत, आहत माने मतलब इस पे चोट मार के, इसको आहत सिक्के कहते हैं। और ये तकरीबन 500 साल चले आहत सिक्के। और सोने या ये चांदी या सोने के सिक्कों पर अलग अलग आप देखिए, आहत करके, चोट करके, पीट करके इसमें जो निशान बन जाते, इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है, राइट। अब आहत सिक्के के बारे में बात करता हूं, फिर आपको बेरीगाजा पहुंचाता हूं। आहत सिक्के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये या तो गोल होते थे या फिर इस तरीके से आयतकार होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे। तो धातु की एक बड़ी सी चादर होती थी, उससे इनको काट लिया जाता था, ऐसे इनको काटा जाता था, स्क्वायर हो या राउंड हो, और फिर उसके बाद इनसे कोई लिखा नहीं होता था, लेकिन इन पे चोट करके ठप्पे बनाए जाते थे और चोट किया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्के कहते हैं, राइट। अब हम आते हैं बेरीगाजा, पहले इसको समझा दूं, फिर आपको मैं एक्चुअल जगह ले जाऊंगा। तो यहां पर जो बेरीगाजा है, इस जगह को देखिए, देखें आप बेरीगाजा, ये एक बड़ी संकरी सी हमारी एक एंट्री है गुजरात के नीचे, भड़ूच की जगह। तो बेरीगाजा भड़ूच का एक यूनानी नाम है, जिसको यूनानी लोग भड़ूच को बेरीगाजा बोलते थे। तो बेरीगाजा ये यहां पर, इस जगह पे, यहां पर क्योंकि संकरी खाड़ी है, इसमें समुद्र से जो आने वाले हैं उनके लिए नाव चलाना बड़ा मुश्किल होता था। तो राजा ने क्या किया कि जो बहुत बढ़िया मछुआरे थे,
या बहुत अच्छा जो शिप चला लेते थे, नाव चला लेते थे, वो यहाँ जहाज यहाँ ला सकते थे। तो बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, इसके बहुत सारे सिक्के यहाँ आयात होते थे। और हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं, हाथीदांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र, यहां से निर्यात होते थे। तो कहा ये सब चीजें आती थी, ये सब चीजें हमारे देश से जाती थी। जो व्यापारी आते थे राजा के लिए बड़ा उपहार लाते थे, जैसे चांदी के बर्तन, गाय कुशेर, सुंदर सुंदर औरतें, अच्छी शराब, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब यहाँ आते थे। तो ये यहाँ पर ये बड़ा एक एक जगह है जहाँ पर पहले काफी काफी यहाँ पर, और मैंने आपको जैसे बताया ये यूनान है, तो यूनान मतलब ये है कि ग्रीस, ग्रीस से ये भरूच, थोड़ा इधर इलाका दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाए किस इलाके की बात कर रहा हूँ। आप देखें ये जो इलाका है इसमें ये भरूच है, इसमें बड़ी यहाँ पर नौका लाना बड़ा बड़ा मुश्किल था। खंबात की खाड़ी पे है ये इलाका। तो यहाँ पर राजा ने क्या किया, जो जो कौशल थे उसके पास, कौशल नाविक वगैरह, उनको यहाँ पर लगाया और फिर यहाँ से ट्रेड होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जाती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती थी यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जाती थी। तो ये जो इंडो ग्रीक एक तरीके से हिंदुस्तान का यूनान का ट्रेड वो यहाँ से होता था। बेरीगाजा दिमाग में रखिएगा। और ये जो हमें जो मिले हैं ना सिक्के, जो आप सिक्के देख रहे हैं, ये सब यूनानी सिक्के हैं, तभी हमें पता चला कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड होता था। यूनानी सिक्के हैं। अब नगर जो है ये एक शहर, बहुत सारी चीजें होती थी वहां पर। एक हम मैं एग्जांपल लूंगा मथुरा का 2500 साल से भी ज्यादा पहले से ये मथुरा आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। एक तो यहां पर यातायात और व्यापार, इसके लिए एक बहुत मुख्य रास्ता था। मैं दिखा दूं ये है कहां, आपको आइडिया रहे। दिल्ली तो सबको आइडिया होगा, दिल्ली के यहाँ पर पास में है, आगरा के पहले। अगर दिल्ली से आप जा रहे हैं भोपाल तो आपको मथुरा पहले पड़ेगा, फिर आगरा पड़ेगा। और अगर आप झांसी से न्यू दिल्ली जा रहे हैं तो पहले आगरा पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा। तो ये मथुरा हो गया। मथुरा के कुछ चित्र दिखेगा यहाँ पर, ये सब मथुरा के चित्र है। ये आपका विश्रांत विहार है मथुरा का, बहुत पुराना है ये। तो एक तो ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। और दूसरा ये था कि जो मथुरा का शहर था इसके चारों ओर किलेबंदी थी, और इसमें ये आप देख रहे हैं बहुत सारे मंदिर थे, ये सब मंदिर ही हैं। इसके अलावा किसान, पशुपालक, ये सब जो थे ये यहाँ के लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। और बहुत बढ़िया मूर्ति, यहाँ पर हम मूर्ति कला जो है वो नायाब हम यहाँ पर देखते हैं, बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती थी यहाँ पर। और 2000 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मथुरा जो थी कुषाणों की राजधानी थी, कुषाणों की राजधानी थी। और ये धार्मिक केंद्र था, बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र। यहाँ पर एक तो बौद्ध, मतलब जो गौतम बुद्ध और जैन, दोनों के ही मंदिर हैं। और कृष्ण भक्ति के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र है, आज भी कृष्ण का सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र यही है, गोवर्धन पूजा वगैरह सब यही होती है। अब मथुरा में जो प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप ये देखें, सब अभिलेख है। यानी जहां जहां मथुरा में मंदिर हैं या मूर्ति है उसके पास हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और बहुत छोटे छोटे ये वो थे। ये देखिए लाकुलिसा मथुरा का एक पिलर है, खंबा, उस पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो हमको बहुत सारे संक्षिप्त यहां पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो यहां होता यह था कि जो दान देते थे, कौन से लोग, आदमी, औरत, ये सब मठ में आते थे, मंदिर में आते थे, ये दान देते थे। और इन दान का उल्लेख है इसमें कि भाई दान दिया, वही यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, ये आके सब दान दिया करते थे। जैसे अगर मथुरा के हम अभिलेख और भी देखें तो यहाँ पर जो सुनार है, जो लोहार है, जो बुनकर है, जो टोकरी बनाने वाले हैं, जो माला बनाने वाले हैं, इत्र बनाने वाले हैं, इन सब का हमको इस इंस्क्रिप्शन में मिलता है उल्लेख, ध्यान रहेगा। अब इस जमाने में शिल्प और शिल्पकारी के बारे में बात की जाए तो क्या मिलेगा, देखिए मिट्टी के, हमने जो पहले पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे उत्तरी काले चमकीले पात्र, जिसको हम NBPW कहते हैं, ठीक। और क्योंकि ये ज्यादातर जो है हमें उत्तर नॉर्थ में मिले हैं, हमारे महाद्वीप के नॉर्थ भाग में मिले हैं। और इसके अलावा, ये तो मिट्टी के बारे में हमने तो बात कर ही ली,
और उसके बाद जो कपड़ों का उत्पादन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बनारस, वाराणसी, थोड़ा लिख देता हूं, वाराणसी जिसको बनारस हम कह रहे हैं, वाराणसी और जो मदुरई है, ये जो इलाके हैं ये कपड़े के लिए बड़े फेमस थे। ठीक, अब आपको दिखाता हूं मैं, मदुरई और ये बनारस हो गया, ये आपका मदुरई इधर पे, ये मदुरई हो गया, ये बनारस हो गया, इन दोनों के ये जो दोनों इलाके थे ये कपड़े के लिए बड़े फेमस थे। अब हुआ ये कि जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी थे उन्होंने अपने संघ बना लिए, अपने जैसे आजकल संघ बन जाते हैं, एसोसिएशन बन जाते ना, उस तरीके से, और इस इन संघों का नाम उन्होंने रखा श्रेणी। श्रेणी तो इसकी इनका काम ये था, श्रेणी का, शिल्पकारों की जो श्रेणी थी उनका काम ये था कि एक तो प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल जो बन जाए उसका वितरण करना। ठीक, और जो व्यापारी, जो व्यापारियों की भी एक श्रेणी बनी, ये तो शिल्पकारों की थी, व्यापारियों की भी एक श्रेणी बनी, तो इनकी जो श्रेणी थी उनका काम क्या था, उनकी श्रेणियों का काम था कि व्यापार कैसे हो, जैसे बैंक, बैंक के रूप में काम हो रहा है, लोग वहां पैसे रखते थे इस श्रेणियों में जो व्यापारियों की थी, और धन का निवेश, लाभ के लिए कुछ किया जाता था कि भाई धन निवेश करो आपको कुछ लाभ मिलेगा, इसके अलावा कुछ पैसा उनको लौटा दिया जाता था, और कुछ जो है मठ और जो धार्मिक संस्थान है वहां पर उसको दे दिया जाता था। यहां पर देखिएगा कि अर्थशास्त्र में बहुत सारे हमको कंटेंट मिलते हैं कि सूत काते जाते थे, बुनने के नियम क्या थे, ये सब यहां पर इसमें दिए गए हैं। एक मैं आपको अरिका मेडू लेके जा रहा हूं, ये आप देखिएगा, अरिका मेडू की जगह ले जाता हूं, आपको पता चलेगा ये पुदुचेरी, पहले ये पांडिचेरी हुआ करता था, अब ये पुदुचेरी बन गया है, तो ये अरिका मेडू, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये पुदुचेरी जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो ये जो अरिका मेडू है पुदुचेरी में, आप देखेंगे कि लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले जो अरिका मेडू है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक पोर्ट था। क्या था? पोर्ट मतलब पत्तन था, जहां जहाज आते थे, और यहां पर हमें ईंटों से मिला हुआ ये सब ढांचा मिला है, और ये गोदाम भी होते थे यहां पर, और यहां पर जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा, तो भूमध्य सागरीय सागर तो यहां है नहीं, भूमध्य सागर तो कहीं और है, तो वहां के पात्र कैसे आ गए यहां पर, और ये जो एम्फोरा के जो पात्र है उसमें क्या रखा जाता था, शराब या तेल, ये रखा जाता था, तरल पदार्थ रखते थे, इनके दोनों तरफ पकड़ने के ऐसे हत्ते थे, हत्ते, तो यहां पर एरेटाइन जैसे लगे मुहर लगे हुए लाल हमें चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब इसमें इसका जो नाम है वो आया है इटली, इटली का एक शहर है जिसका नाम है एरेटाइन, उसके नाम पर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मोहर लगे सांचे हैं उस पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर ये यहां पर बनाया जाता था। ठीक है, अरिका मेडू के बारे में आप बात था, उसको समझ में आ गई। तो ये जो डिजाइन है ये सब कहां से कैसे आया है, आप देखें कि जो रोमन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस इलाके की, मैंने आपसे क्या बताया, यहां पर बकायदा भूमध्य सागर यानी कि रोम की हम बात कर रहे हैं, और रोम इटली एक ही बात हो गई, और वहां की चीजें हमें यहां मिली है, इसका मतलब वहां से लोग आते थे, वो या तो व्यापार करते थे या यहां के लोग सीख के उसे बनाया करते थे। तो यहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न हमें मिले हैं, और छोटे छोटे थोड़े कुंड भी मिले हैं, जैसे कपड़ों की रंगाई के कुछ पात्र होते थे, शीशे और थोड़े जो इंपॉर्टेंट बहुमूल्य पत्थर है, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, उसके भी हमें यहां पर एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जरा बता दूं, ये वो सारे वो अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं, कई में आप देखेंगे ब्रह्मी लिपि में लिखा है, पहले आप देखें तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए हम इसको कहते हैं तमिल ब्रह्मी, ध्यान रहेगा तमिल ब्रह्मी। ये बात हो गई, लेकिन हम थोड़ा आपको वहां भी ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अब बात हो ही गई है, तो यहां मैं यूरोप के कुछ एक शहर जिसको रोम की बात कर रहा हूं, मैं रोम की बात करेंगे। तो यूरोप में सबसे पुराने शहरों में एक रोम था, और ये तभी इसका विकास हुआ जब गंगा के मैदान में शहर हमारे बस रहे थे, और ये बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यूरोप, उत्तर अफ्रीका यानी कि जो नॉर्थ अफ्रीका है, एशिया, पश्चिम एशिया तक ये साम्राज्य फैला हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट शासक इसके हुए, ये जिनका चित्र आप देख रहे हैं, इनका नाम है ऑगस्टस। क्या नाम है? ऑगस्टस। और इन्होंने 2000 साल पहले तकरीबन शासन किया, कहां? रोम पे। और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, आप देखिए ईंटें दिखी रही है, जिसको मैंने संगमरमर का बना दिया।
तो अगस्टस के बाद और भी लोग आए जिन्होंने मंदिर और महल बनाए, और अगस्टस ने क्या किया, बड़े बड़े या रहेंग महल बनाए जिसको एम्फी थिएटर कहते हैं। ये चित्र भी एक्वा डक्ट जहां से हवा आती जाती है, और ये सारे आप जो देख रहे हैं ये चित्रण है एम्फी थिएटर का। तो यहां पर लोग बैठते थे, बाकायदा सीढ़ी नुमा जगह थी और बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर होते थे, और स्नानागार भी थे, लोग अलग अलग जगह जाके नहाते थे, मिलते थे। और जैसे मैंने ये बताया कि ये जलवाही सेतु एक्वाडक्ट, तो इससे स्नानागार, फव्वारे, गुसलखानों, उनके उन वहां के लिए पानी यहां से आता था, एक्वाडक्ट इसे कहते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।